एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय प्रतिनिधि सुनील गोल्डी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण संगठन से निष्कासित किया गया है। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अभिनंदन ठाकुर टोनी ने ये कार्रवाई की है। सुनील एनएसयूआई में रहते हुए कांग्रेस विरोधी गतिविधियां कर रहे थे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि उन पर पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री से भी सांठगांठ के आरोप हैं। उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतें लगातार एनएसयूआई के शीर्ष नेतृत्व को मिल रही थी। कुछ माह पहले उनकी अग्निहोत्री के साथ नादौन रेस्ट हाउस में बैठक की तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं। वे नादौन में कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। पार्टी के खिलाफ उन्होंने अनेक टिप्पणियां की हुई हैं। आरोप है कि वे बीते एक वर्ष से अग्निहोत्री के साथ मिलकर कांग्रेस विरोधी अभियान चला रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नाम का भी गोल्डी ने कई बार दुरुपयोग किया। जिलाध्यक्ष अभिनंदन ठाकुर टोनी ने बताया कि उनके पार्टी विरोधी कामों की अनेक शिकायतें सबूतों के साथ प्राप्त हुई हैं। उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन वे सुधरे नहीं। भाजपा नेताओं की शह पर उनका कांग्रेस विरोधी एजेंडा जारी रहा। उन्होंने एनएसयूआई से निष्कासित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी को गोल्डी के निष्कासन की सूचना भेज दी है। संगठन में पूरी निष्ठा से काम करने वाले जुझारू कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। कल जो पूर्व राष्ट्रीय प्रतिनिधि श्री सुनील गोल्डी जी का जो है वो निष्कासन जो था वो एनएसयूआई द्वारा किया गया था। आप लोग देखेंगे कि पिछले कोई 3-4 महीनों से जो था वो लगातार जो था वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। हालांकि उन्होंने अपना जो इस्तीफा था वो अपने पदों से दे दिया था, लेकिन उनकी जो प्राथमिकी जो सदस्यता है उसको रद्द किया गया है एनएसयूआई द्वारा जो था वो जिला हमीरपुर के अंदर। तो देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति है वो संगठन से ऊपर नहीं है, सभी लोग जो है वो संगठन की विचारधारा में बंधे हुए हैं और संगठन के जो नियम हैं उनके अंदर बंधे हुए हैं, और वो इस तरह की पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, जिस कारण हमें मजबूरन जो है वो उनका निष्कासन जो है वो करना पड़ा। और जो और युवा हैं, जो मेहनती युवा हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी इस बात को देख के सोच समझ के आगे जो है वो संगठन को जो है वो आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद।